वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका किच्छा स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है गौरव मिश्रा भाई ने। भोजीपुरा लालकुआ रेलखंड पर जैसा पूर्व में भी हमने आपको दिखाया था कि अब रेलगाड़ियों का संचालन धीरे धीरे करके विद्युत लोको से शुरू हो गया है। लालकुआ बरेली सिटी के बीच चलने वाली यात्री गाड़ियों के साथ साथ लालकुआ जंक्शन से हावड़ा जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को भी विद्युत लोको अलॉट हो गया है, मिल गया है। अब यहाँ पर जो प्रतीक्षा है, इंतज़ार हो रहा है, वो लालकुआ जंक्शन से जो हमारा पैकेज टू पार्ट टू है भोजीपुरा काठगोदाम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो लालकुआ जंक्शन से जो काठगोदाम तक वायरिंग हो गई है। और हाल ही में अभी हल्द्वानी के निकट से हमने आपको लोको ट्रायल एक छोटा सा वीडियो दिखाया था। तो अब लोगों को इंतज़ार है कि लालकुआ जंक्शन से हल्द्वानी होते हुए जो हमारा अंतिम स्टेशन इज्जत नगर मंडल में काठगोदाम इस रेलखंड का पड़ता है NER जोन में, वहाँ तक जो अब कार्य कराए गए हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के, उनका कमिश्नर रेलवे सेफ्टी एनी सर्किल द्वारा CRS निरीक्षण कब होगा। जो कार्यदायी संस्था है उसकी कोशिश है कि जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करा करके लालकुआ जंक्शन से काठगोदाम के बीच CRS निरीक्षण कराया जा सके, ताकि फिर काठगोदाम से चलने वाली सभी रेलगाड़ियां, चाहे वो बाघ एक्सप्रेस हो, नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी हो, सभी रेलगाड़ियां नैनी दून जनशताब्दी हो, सभी को फिर विद्युत लोको अलॉट हो सके, मिल सके, इसकी कोशिश चल रही है। तो ये किच्छा स्टेशन से एक व्यू सामने आप देख सकते हैं, WAG 9 सीरीज़ का लोकोमोटिव काजीपेट शेड का, जो हमारे दक्षिण भारत में पड़ता है। यात्री गाड़ी लेकर के जा रहा है, किच्छा स्टेशन पर भी अभी जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बाउंड्री वॉल है और जो FOB पैदल पुल यहां पर निर्माण जिसका चल रहा है, अभी ये सारे कार्य किच्छा स्टेशन पर होने बाकी हैं धीरे धीरे। तो ये था एक छोटा सा अपडेट, एक छोटी सी झलक किच्छा स्टेशन से।